सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस आज का जो है पूरा सेटअप देखकर आपको जो है अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हमारा हीरा 3 प्रो टावर स्पीकर है और यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है गाइस, जो कि एक इन्वर्टर बैटरी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको इस टावर स्पीकर को जो है इस बैटरी पर चला कर दिखाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। और हाँ गाइस, अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस टावर स्पीकर को जो है हम डायरेक्ट बैटरी पर प्ले नहीं कर सकते हैं। तो गाइस इसको प्ले करने के लिए या तो गाइस हमें इस पर जो है इन्वर्टर लगाना होगा, तो या इस पर जो है कुछ चेंजेस करके जो हम इसको चला सकते हैं डायरेक्ट बैटरी पर। तो वो क्या सिस्टम है मैं आपको वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ गाइस अभी। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और बिना स्किप किए ही इस वीडियो को देखना, ताकि आपको अच्छे से सारा सिस्टम जो है समझ में आ सके। तो चलिए गाइस एक एक करके जो मैं आपको सारा सिस्टम इसके अंदर जो है समझाता हूँ। तो गाइस ये जो टावर स्पीकर है डायरेक्टली 220 वोल्ट पर वर्क करता है, जो कि जिसे हम प्ले करते हैं। तो गाइस इसे जो है इस बैटरी पर चलाने के लिए गाइस या तो हम इसके अंदर इन्वर्टर लगाकर इसको जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट से चला सकते हैं, और गाइस अगर हमें डायरेक्ट इसे बैटरी से चलाना है तो इसके अंदर जो हमें कन्वर्टर लगाना होगा। तो गाइस इसे ये जो हमारा इसके अंदर जो एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है वो गाइस 30 वोल्ट 7 एम्पीयर तक जो है हमारा काम करता है, तो जो कि इसको इस बोर्ड को सप्लाई इसके ट्रांसफार्मर से मिलती है, और इसके ट्रांसफार्मर जो है वो 220 वोल्ट एसी से जो है वर्क करता है। तो गाइस हम जो इसको डायरेक्टली जो है डीसी से चलाने वाले हैं, तो डीसी से चलाने के लिए गाइस इसमें जो हमको एक कन्वर्टर जो है लगाना होगा, जो कि 12 वोल्ट से 35 वोल्ट का जो आउटपुट क्रिएट करता है। तो गाइस हमने जो इसके अंदर पहले से ही वो कन्वर्टर जो है लगा रखा है, तो चलिए मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देता हूँ। तो गाइस इसे जो मैं इसको खोल कर नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस हमने इसके ऊपर ऑलरेडी भी एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके जो सारे कनेक्शंस वगैरह मैंने दूसरे बोर्ड पर उसकी टेस्टिंग करके जो आपको दिखा रखी है, तो गाइस सेम उसी प्रकार के कनेक्शन जो है मैंने इसके अंदर किए हुए हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट का जो बैटरी है गाइस, यहाँ पर जो कि हमारे इन्वर्टर का बैटरी है, तो यहाँ पर हमारा स्पीकर है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो वायर जो है कि हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो गाइस इसमें जो हमने दो की क्लिप लगा रखी है कुछ इस प्रकार की। तो गाइस इसे एक्चुअली हम जो है हमारी कार में भी प्ले कर सकते हैं, और हम जो है इसको घर पर भी यूज कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से मैंने इसको बना रखा है। तो यहाँ पर हमारी दो क्लिप लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस ये जो वायर है हमारे, ये हमारे कन्वर्टर के वायर जो है बाहर आ रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है इसको बाहर निकाल दिया है। तो गाइस ये हमारा जो ब्लू वाला वायर है ये हमारा पॉजिटिव है, और जो गाइस ये हमारा वाइट वायर है ये नेगेटिव वायर है। इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर इस प्रकार की दो क्लिप लगा रखी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस इसे जो हम अपनी कार में भी यूज कर सकते हैं, और गाइस इसे जो हम अपने घर पर भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो है 220 वोल्ट के लिए जो हमारी पावर केबल होती है वो यहाँ पर है। तो गाइस इसका सिंपल सा जो हम मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस यहां पर हमारे जो दो वायर है, हम अगर इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो है ऑन हो जाएगा, और गाइस यहां से हम इसको 220 वोल्ट से जो है प्ले करेंगे तब भी यहां से जो है ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम इसको एसी और डीसी दोनों पर जो है प्ले कर सकते हैं। तो गाइस इसके अंदर जो हमने कन्वर्टर जो कि हमारा था वो उसके अंदर हमने लगा रखा है। तो गाइस सेम कनेक्शन उसी प्रकार से हो गए जो कि मैंने आपको उस वीडियो में करके दिखा रखे एक एम्पलीफायर बोर्ड से, तो आप भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो गाइस मैं आपको इसको खोलकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कनेक्शंस जो है सेम होते हैं सभी बोर्ड के। तो चलिए गाइस करते हैं इसके कनेक्शंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा जो हमारा ब्लू वायर है इस, ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के लिए है, और ये जो हमारा वाइट वाला वायर है ये हमारा नेगेटिव है। तो चलिए इनको जो है जल्दी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे दो वायर है। तो गाइस हमने जो हमारा दूसरा टावर स्पीकर है उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं जिसकी वायर यहाँ पर लगा रखी है। तो सबसे पहले हम जो है नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो गाइस हमारे जो बैटरी है इसके अंदर जो ये वायर हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। तो इसको जो है हमें कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना होगा। तो गाइस इसमें इसका जो कनेक्टर दूसरा आता है वो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो हम जो इसको ही यहाँ पर लगा दें कुछ इस प्रकार से, तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगा गाइस। तो फिलहाल मैं आपको ऐसे ही गाइस इसकी टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन गाइस अगर आप इसको यूज करें तो गाइस इसको जो है फुल साउंड इसका जो प्ले करने के लिए हमें जो इसके अंदर जो है 40 या 30 एम्पीयर की बैटरी यूज करनी होगी, तभी जो हमको इसका पूरा आउटपुट मिल पाएगा।
तो गाइस हम जितने कम एम्पियर की इसके अंदर बैटरी यूज करेंगे तो उसी हिसाब से जो है हमको इसमें आउटपुट मिलेगा। तो गाइस इसका जो साउंड आउटपुट है वो डिपेंड करता है इस बैटरी के एम्पियर के ऊपर। तो गाइस जिस प्रकार से इसको हम बैटरी से चलाएंगे उसी प्रकार से जो इसका साउंड आउटपुट हमें जो है सुनने को मिलेगा। अगर गाइस हम इसके अंदर कम एम्पियर की बैटरी यूज करेंगे तो हमें जो है साउंड भी उसी प्रकार से मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए पॉजिटिव को भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा ब्लू वायर है मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव है हमारा। तो गाइस इसको कनेक्ट करने के लिए हमें जो है एक वायर की ज़रूरत होगी, क्योंकि गाइस मेरे पास जो है टर्मिनल अवेलेबल नहीं है अभी। तो इस वायर को कनेक्ट करने के लिए हमें जो है एक एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए लगाते हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार की एक वायर लेनी है हमें, तो इसको जो है हम यहाँ पर कुछ इसकी मदद से जो है लगाएंगे। तो ये जो हमारे जो आप देख सकते हैं ये इसे जो है हम गाइस यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इसको जो है यहाँ पर। तो गाइस फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही लगा कर दिखा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इसे जो है यूज करते हैं अगर अपनी कार में कहीं पर भी इसे बैटरी चलाते हैं तो गाइस ध्यान रखें हमारे जो वायर होने चाहिए प्योर कॉपर के वायर होने चाहिए और ये कम से कम भी गाइस हमारे 8 mm तक के वायर होने चाहिए तभी जो है हमारा ये वर्क करेगा। लेकिन गाइस अगर हम इसके अंदर पतले वायर लगाएंगे तो उसके जो है ना तो हमें साउंड आउटपुट अच्छे से मिलेगा और जो हमारा जो वायर है वो भी गर्म होगा गाइस। तो इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और हाँ गाइस ये जो इसका टर्मिनल है इसको भी अच्छे से टाइटली तरीके से जो है आपको कनेक्ट करना है ताकि बिल्कुल भी ढीला ना रहे। तो गाइस जैसा हम इसको जिस तरह से इसको हम पावर देंगे उसी प्रकार से हमको जो इसका आउटपुट मिलेगा, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। तो चलिए गाइस मैं इस वायर को इसके अंदर जो है कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस ये इस प्रकार का एक वायर लेना है हमको, तो चलिए मैं इसको जो है जल्दी से शॉर्ट आउट कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस ये जो हमारा एक इस प्रकार का हमने जो है सेटअप बना रखा है, तो चलिए इसको इसके अंदर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर लग चुका है। तो चलिए गाइस ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो आप देखना गाइस जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा इसके अंदर जो स्पार्क होगा एक, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस आप उधर दिखा दो एक बार। तो गाइस यहाँ से जो स्पार्क होगा, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ से वायर जो है एकदम लूज़ है अभी, तो चलिए मैं आपको इसको अच्छे से लगा लेता हूँ। तो गाइस आप ज़रूर ध्यान रखना इस बात का कि हमारी वायर जो है यहाँ से टाइट होनी चाहिए। तो गाइस जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो गाइस ये जैसे ही लोड लेगा गाइस इसके कैपेसिटर चार्ज होंगे तो ये उसी प्रकार से जो है इस पर जो है हमारी स्पार्किंग होगी। तो चलिए यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं, तो ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ से भी कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर भी। तो आप इधर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारे जो इसके अंदर जो है पावर आ चुकी है। आप देख सकते हैं इसके जो हमारे इंडिकेटर से यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ भी चल चुका है। तो चलिए गाइस हमारा जो टावर स्पीकर ऑन हो चुका है, तो चलिए इसके अंदर जो मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे जो सारे कनेक्शन यहाँ पर हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमने वायर लगाया था टाइटली का लगाया है गाइस हमने इसको, यहाँ पर भी लग चुका है और यहाँ से भी हमने इसको लगा दिया अच्छे से और वहाँ से भी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पावर आ चुकी है, अभी ये प्ले होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए गाइस जल्दी से इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके और उसके बाद जो आपके साउंड आउटपुट भी सुनाते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का जरूर यूज करना ताकि आपको साउंड क्वालिटी का अच्छे से पता चल सके। तो गाइस आप देख सकते हैं सारा सेटअप हमारा ओके है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको जो है प्ले करके इसका साउंड डायरेक्टली सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, तो उसके बाद जो आपको इसकी टेस्टिंग देते हैं। लेकिन गाइस प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का जरूर यूज करना ताकि आपको साउंड क्वालिटी अच्छे से पता लग सके। तो चलिए जल्दी से मैं सॉन्ग एक प्ले करता हूँ गाइस, चलिए यहाँ से हम प्ले करते हैं। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम
तो गाइस देखा आपने इसकी जो साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। तो गाइस लाइट से ज़्यादा आवाज़ जो इस पे बैटरी पर जिस पर जो है आउटपुट इसका जो अच्छे से मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये जो टावर स्पीकर था यहाँ पर रखा हुआ था आपने देखा। तो गाइस जैसे हमने इसको हाई वॉल्यूम पर प्ले किया तो आप देख सकते हैं ये वहाँ से जो है यहाँ पर जो है आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बेस्ट है गाइस, तो जो कि मैंने आपको इसकी पूरी टेस्टिंग करके भी इस वीडियो में दिखाई है, आपने देख लिया होगा लाइव प्रूफ। तो गाइज़ इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो जो इस बैटरी से जो इसकी ज़्यादा आएगी, क्योंकि गाइज़ इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है वो हमारा 30 वोल्ट पे जो है काम करता है, और गाइज़ इसके अंदर जो हमने सप्लाई लगाई है गाइज़ डीसी टू एसी वाली, तो वो गाइज़ हमारी जो सप्लाई है वो जो है 35 वोल्ट पर काम करती है, तो उसी प्रकार से जो इसका साउंड आउटपुट आता है। तो गाइज़ आपने देख लिया होगा। तो गाइज़ ये जो टावर स्पीकर वो यहाँ पर था जो कि वाइब्रेशन से वहाँ तक जो है चला गया है। तो गाइज़ आपने इसकी साउंड क्वालिटी तो सुनी लिया होगा, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और गाइज़ ये सेटअप आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे जो है कमेंट ज़रूर करना। और गाइज़ इस टावर स्पीकर को जो है हम जो अपने कहीं पर भी पार्टी वगैरह में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं गाइज़। मान लीजिए हमारी जो लाइट चली जाती है कई बार, तो हमें काफ़ी इतने बड़े टावर स्पीकर को चलाने के लिए हमें लाइट की जो है ज़रूरत होती है, तो कई बार हमारे पास लाइट नहीं होती, तो इसी के लिए जो ये सिस्टम हमने बनाया है। और हाँ गाइज़ हम अपनी गाड़ी के अंदर जो है बैटरी लगाते हैं उसका जो है हमें काफ़ी कॉस्टली जो है पड़ जाता है वो, लेकिन गाइज़ अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारा काफ़ी बेस्ट रहेगा। और गाइज़ इसका दो हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि हम इसको घर पर भी यूज कर सकते हैं और अपनी कार के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और गाइज़ हम इसे जो है 12 वोल्ट से कहीं से भी पर भी जो इसको चला सकते हैं, और गाइज़ इसे जो हमें बाइक की बैटरी से भी चला सकते हैं, तो लेकिन वो भी वीडियो में आपको कभी जो है बनाकर दिखाऊंगा। तो गाइज़ बाइक की बैटरी जो कि हर जगह पर मिल जाती है, तो वहाँ पर भी जो है हम इसको प्ले कर कहीं पर भी इसे आउटडोर में चला सकते हैं, साउंड आउटपुट हमें जो है काफ़ी बेस्ट मिलता है इसका। तो गाइज़ मैंने जो आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है बता दी है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और हाँ गाइज़ अगर आप भी सिस्टम में ऐसा बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना जो है सजेशन ज़रूर देना मुझे। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर जो वीडियो आपको बना कर दूँगा। तो चलिए गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइज अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हाँ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।